अब भी दुनिया के अलग अलग शहरों में उनके देखे जाने की खबर मिलती रहती है। हाँ, मगर आज तक यकीन से कोई नहीं कह पाया कि कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे।
तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया। ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है। इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान। उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है। इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस
नहीं कर पा रही, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं
क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते।
वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में।
कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की
फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया
जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों
हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल
तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था, इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है,
इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है,
खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए,
साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी,
जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है,
जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया
जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों
हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है। इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल
तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है,
इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर,
वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है,
उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी, बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते।
वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी। जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिए हैं जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है। प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी।
जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी। मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है,
जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए। 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है। एक दुश्मन से निपट लिए, अब दूसरे के बारे। बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया
जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहां जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहां देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाली इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया। उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाएं जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों
हमने गणपत देखी थी। तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल
तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है, इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया, यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सीक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू, फिल्म की कहानी और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। कंगना रनौत की नई फिल्म आई है तेजस। कंगना ने इंडस्ट्री में जगह पक्की करने के बाद से तमाम विषयों पर अपनी राय रखी, जो गलत था उसके खिलाफ झंडा बुलंद किया, मसलन जेंडर इक्वालिटी, मगर अब वो खुद अपनी फिल्मों की हीरो होती है और वो चीज़ करना चाहती है जो हिंदी फिल्म को हीरो करते हैं। इसमें एक्शन और डायलॉगबाजी के साथ लेक्चर देना भी शामिल है। उन्होंने बतौर एक्टर परफॉर्मेंस कुछ नया या अलग करने की बजाय ऐसे किरदार चुनने शुरू कर दिया है जो अब बस कहानी के नायक हो। बतौर एक्टर कंगना का कैलिबर सबको पता है, मगर इस तरह की फिल्में और रोल्स उनके क्राफ्ट को प्रभावित कर रहे हैं। तेजस में कंगना ने तेजस गिल नाम की फाइटर पायलट का रोल किया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है। अगर इसे कंगना की सबसे अटपटी परफॉर्मेंस वाली फिल्म माना जाए तो इस बात से शिकायत नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली एक एरियल एक्शन फिल्म है, मगर असल में टिकट बॉक्स ऑफिस वाली फिल्म बनकर रह जाती है। जितना कुछ समाज और सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर वो टॉपिक कवर हो जाए, 26/11 अटैक से लेकर पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, फेमिनिज्म और हाइपर नेशनलिज्म, साथ में अयोध्या के राम मंदिर का कैमियो, इनमें से किसी विषय को लेकर फिल्म सीरियस नहीं है। ये सब एक वीडियो गेम की तरह लगता है, एक दुश्मन से निपट लिए अब दूसरे के बारे, बस यहाँ लेवल अप नहीं होता। वीडियो गेम से फिल्म का एक सीन याद आया जिसे VFX के मदद से तैयार किया गया है। फिल्म के एक सीक्वेंस में जिसमें जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तर्ज पर ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान को एयरपोर्ट पर घटने वाले इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जिस ग्लिच के साथ ये सीन पहली बार बना उसे वैसे ही फिल्म में रख लिया गया, उसका VFX रिफाइन या फाइन ट्यून करने की कोशिश नहीं की गई। फिल्म में जितने भी हवाई जहाज वाले सीन हैं वो भी भरोसे लायक नहीं लगते। कुछ एक ऐसे सीन कंगना रनौत की आंखों में शूटिंग के दौरान सामने लगी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जबकि इस सीन में वो आसमान में फाइटर पायलट उड़ा रही है। अभी पिछले दिनों हमने गणपत देखी थी, तेजस और गणपत में कंपटीशन हो सकता है कि किसका VFX ज़्यादा ख़राब है। इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसके ज़मीन पर जाकर हरा दिया। पाकिस्तान हिंदी सिनेमा में बौंदू किरदार होकर हो गया है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि पाकिस्तानी लोग इतने भी बेवकूफ़ होते होंगे जितना वो हिंदी सिनेमा में होते। तेजस से पहले कमोबेश इस मसले पर एक फिल्म आई, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, तुलना तो होगी, मगर इस कंपैरिजन में तेजस गुंजन सक्सेना के आसपास भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि गुंजन सक्सेना के मेकर्स को पता था कि वो फिल्म के साथ क्या करना चाहते हैं। तेजस के मेकर्स ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, या शायद वो यही खिचड़ी बनाना चाहते थे। तेजस को सर्वेश मेवाड ने डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली फिल्म है, मगर वो इस फिल्म को बनाते वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं लगते। क्लाइमैक्स खत्म होता है, तब तक दूसरा शुरू होता है,
इसके लिए मुझे फिल्म कभी कन्विंसिंग ही नहीं कर पाती। फिल्म दर्शकों के भीतर इमोशन पैदा करने के लिए महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल है। तेजस में इकलौती पॉजिटिव चीज़ मुझे लगी अंशुल चौहान, उन्होंने कंगना की जूनियर और साथी फाइटर पायलट आफिया का रोल किया। यानी फिल्म में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन भी है, मगर ये आफिया फिल्म की कॉमिक रिलीफ है। एक सीन में आफिया का किरदार अपने सुपर सीनियर से बात करते हुए चिल्ला चिल्ला कर ये नया इंडिया है सर, वी विल किल इट सर टाइप की बातें करती है, जो कि देखते वक्त बहुत वियर्ड लगता है और थोड़ा फनी भी। अंशुल को मैंने पहली बार शुभमंगल सावधान में देखा था। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग मुझे आज भी याद है, खुद की शक्ल चूजे वर्गी और लड़की चाहिए कटरीना कैफ। तेजस में आप उनका काम इसीलिए भी इंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ह्यूमन कैरेक्टर है, उसमें गॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्लस उससे ये भी पता है कि वो इस फिल्म की सपोर्टिंग कैरेक्टर है। धाकड़ के बाद तेजस कंगना रनौत की एक और निराशाजनक फिल्म साबित होती है। कम से कम धाकड़ में कंगना का काम अच्छा था, मगर यहाँ तो आपको वो भी नसीब नहीं हो। तेजस कुछ भी नया ऑफर नहीं करती, आपने पिछली चार फिल्मों में जो चीज़ें देखी बस ये फिल्म उसे समेट कर एक जगह ले जाती है। इसमें थोड़ा सा कंगना रनौत मिला लीजिए, साथ में ढेर सारा ज्ञान और VFX की मदद से बने फर्जी लगने वाले रियल एक्शन सिक्वेंस बन गई तेजस, मगर तेजस कभी अपने ओनर्स की जस्टिफाई नहीं कर पाते। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर, तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो Zee5 पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास Zee5 का सब्सक्रिप्शन है।